जा रहे हैं अपना बढ़िया बाहर एक्सप्लोर करने ढंग से, कल तो करा नहीं, और आप आओ तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, सनस्क्रीन लगा कर घूमना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतने ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी कि घर कैसे जाओगे आप, आपको खुद भी नहीं पता। ओ यार ये तो ज़्यादा लगा दी। चलो कोई बात नहीं, और वेलकम टू अनदर डे, मतलब गुड मॉर्निंग और वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ गोवा की बेस्ट प्लेसेस, और उसमें से है एक तो चर्च है, एक है वो चोपारा फोर्ट, जहाँ पर दिल चाहता है कि शूटिंग भी हुई थी, फोटोज़ जो आपने देखी है ये वाली फ़ोटोज़, हम भी इसको थोड़ा रिक्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ जाएंगे आरंबोल बीच, दो तीन जगह और है, मतलब आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा सारा, बस लाइक कर दो यार। और मैं आपको सारा हिसाब वगैरह कितना कम से कम मैं आपको करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको सारे एंड में बताऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करें ब्लॉग को स्टार्ट कर दो यार वो सब। बाकी भाई देख लो एक बार आज का वेदर कैसा है, एक नंबर वेदर हो रखा है। नीचे लोग अपना बढ़िया स्विमिंग पूल वगैरह में बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं सब। बाकी भाई मैंने आपको ये रूम तो दिखाई दिया था अपना, ये रूम है, ये है अपने तविश भाई, और तो कुछ ऐसा दिखाना नहीं। अब चलो बाहर चलते हैं, फिर देखते हैं फिर बढ़िया। चलो भाई बस अब होटल से निकल गए हैं, अब चलते हैं एक्सप्लोर करने नॉर्थ गोवा। गाड़ी अपने पास ही खड़ी है कल से, तो अपना चलते हैं घूमने। तो भाई ओल्ड गोवा आ गए अब हम, तो जो सबसे पहले हम जगह आए हैं घूमने उसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर तविश भाई कर रहे हैं शूट, और वो मेरे को शूट कर रहा है, मैं उसको शूट कर रहा हूँ। भाई देखो यार चार दिवस आए, व्यू देखो आप यहाँ से भाई, क्या व्यू है भाई, एक नंबर व्यू। और इसका मतलब ये होता है कि इन्फेंट जीसस यानी कि गुड जीसस, और ये 1564 के अराउंड, यानी कि इतना पुराना है ये, 1564 के अराउंड कुछ ये बना था, और मतलब बनना शुरू हुआ था, और 1604 तक ये बनता रहा था। मतलब कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है, ये देख सकते हो आप पूरा ढंग से क्या बना पड़ा है यार, और ये जो पोर्चुगीज थे उनके राज में ये बना था, और वहाँ पर भी ना ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर जो है वो बना पड़ा है। अब क्योंकि मैंने अपना फेस मोशन ट्रैक कर लिया है तो अब ये मेरे फेस को ही देखेगा। बॉम जीसस मैंने आपको बताया, बॉम जीसस का मतलब होता है इन्फेंट जीसस या फिर गुड जीसस, और ये बहुत ज़्यादा पुराना है और बेस्ट लोकेशंस में से एक है। वैसे ये है ओल्ड गोवा में, ओल्ड गोवा की स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दिखाऊँगा अभी आगे जाकर भी। यहाँ पे जो हाउसेस वगैरह जो घर बने हुए लोग हैं बिल्कुल पोर्चुगीज स्टाइल में, हट में कलरफुल घर यहाँ बने पड़े हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। भाई मौसम देखो यार, मौसम ऐसा लग रहा है आउट ऑफ इंडिया आ गए, ऐसे ऐसे बने पड़े हैं भाई साहब। धूप तो आज है ही नहीं ज़्यादा, मैं वैसे सनग्लासेस खरीदने वाला था, वहाँ पे प्रॉपर शॉप्स वगैरह उधर मार्केट है, बट धूप तो है ही नहीं ज़्यादा। तो भाई ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देख लो। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि अटैच है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। मतलब जो भी आप आर्कियोलॉजिकल रिसर्च वगैरह देखते हो, कंजर्वेशन प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, वो कंट्री के जो होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हम बेसिलिका में आए थे बट यहाँ पर सामने भी काफ़ी अच्छी लोकेशन थी ये वाली। तो अब जो हमारा मेन लोकेशन है वो आती है पंजिम का चर्च, जो आपने काफ़ी सारे मूवीज़ में भी देख रखा है और सीरियल्स में भी आता है वो। तो अब चलते हैं पंजिम चर्च। यहाँ पे मेरे को अभी अभी एक चीज़ पता चली, आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पर महंगी है, अमूल हो चाहे क्वालिटी वॉल्स हो, जो हमारे यहाँ पर
20 या 30 रुपए का है, वो यहाँ 50 रुपए का कोन है। हाँ इसको देख लो पहले। अच्छा बर्फ भी साथ मिल रही है। बर्फ तो भाई ग्लास में डलती है सीधा। बर्फ तो भाई ग्लास में डालते होगे ना आप भी। और तुम्हारे को फेमस कर देंगे भाई अब। ले लो ना, 5-6 करोड़ तो तुम्हारी वैसी हो गई है। 10 करोड़ की ऑफर आएगी बस आपको। चुप कर पे कुत्ते। सीधा सीधा 10 करोड़ का ऑफर आएगा भाई तुम्हारे पे। लोग बोलेंगे इसके लिए तुम 5 करोड़ गया भाई। KRS व्लॉग्स अभी नहीं दिखोगे भाई तुम, मंडे दिखोगे इसमें। ठीक है, मंडे में डाल दूंगा। आईजी अबू दर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ गए हैं पंजिम के चर्च में, जो फेमस चर्च आप देखते हो काफी ज्यादा, मूवीज में भी आपने देखा हुआ है और सीरियल में भी आपने देखा होगा। तो अब हम आ गए हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं पंजिम, और पंजिम की एक खास बात यह है कि ये सबसे पहले तो गोवा की राजधानी है, और ऊपर से जो भी आप बॉलीवुड की शूटिंग वगैरह सारी देखते हो वो सारी पंजिम में ही ऑलमोस्ट होती है। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि जैसे अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो यहाँ पर हमने 50 रुपये दिए हैं, और अगले 4 या 5 घंटे तक उसके बाद आप पंजिम में कहीं भी पूरे दिन गाड़ी खड़ी कर सकते हो। तो ये है वो फेमस पंजिम का चर्च। तो अभी हम आए हैं पंजिम वाले चर्च पे, और इसके बाद शायद से जाएं अग्वाड़ा फोर्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन सा फील होने लग गया, पानी पीते रहना अगर आप आओगे यहाँ पे। तो दूसरी लोकेशन अपनी ये ज़रूर रखना, आपका पंजिम वाला जो चर्च है। और इसी के साथ साथ बस ये हमारी दूसरी लोकेशन थी। यहाँ से पास वैसे मीरामार बीच वगैरह भी है, देखते हैं अगर टाइम मिला, क्योंकि हमें 3-4 और लोकेशन है जो कवर करनी है आज के दिन। बट अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो कहीं और जाएंगे। वैसे सोच तो रहे हैं मीरामार बीच जाने की, वो पंजिम का ही बीच है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं। कोविड की वजह से 2 साल से बंद पड़ा है ये पूरा, मतलब कोविड की वजह से अभी खोल ही नहीं रहे, अंदर एंट्री नहीं है, जाने नहीं दे रहे अंदर चर्च के किसी को भी। तो अभी तो फ़ायदा नहीं आने का, मतलब वैसे बाहर से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी हो तो आप आ सकते हो। तो भाई अभी वो जो चर्च देखा है उसके बाद हम आए हैं कमात्स करके, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। कमात्स करके यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सब बढ़िया मिलता है, मतलब बोला तो यही है, अब देखते हैं खा के कैसा है। तो हमने ऑर्डर करे 3 मसाला डोसा और 1 माउंटेन ड्यू, और बाकी अब यहाँ से एक मतलब बहुत सही जगह पे जा रहे हैं हम, जहाँ पे डॉल्फिन राइड होती है। डॉल्फिन राइड देखेंगे और मतलब देखेंगे बताएंगे आपको फिर कैसा रहा। और लोकेशन में एक चीज़ और ऐड कर दी है, तो खाना जैसा है मैं आपको बताऊँगा कैसा है। तो इसका मेन्यू देखो तो प्राइस भी काफ़ी सही है, मतलब हमारा डोसा 110 रुपये का था, और अगर जूस लेना है ये 40 रुपये से शुरू होता है। और बाकी अंदर से देखो, अंदर से भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एयर कंडीशन। ये देखो फलूदा लेना है, 180 रुपये का फलूदा। फलूदा तो महंगा लग रहा है यार। ये रहा नॉर्थ इंडियन वेज स्पेशल, 210 का ग्रीन पीस, मिक्स वेज 210, चाइनीज स्टार्टर गोभी मंचूरियन 180 रुपये। हमने लिया है मसाला डोसा, डोसाला मोसा गांगिया, 110 का लिया है, वैसे आपको मैंने बताई दिया है, छोड़ो। ये रहा मसाला डोसा, इडली वड़ा 110 का, सादा डोसा 90, बटर डोसा 115, मसाला 110। हमारे यहाँ भी यही रेट है, दिल्ली में भी सही रेट है यहाँ पर। तो भी भाई ठीक है ना, टॉप के रेट है। खाना आ गया भाई अपना, मसाला डोसा को साइड में दे दिया। अच्छा यार, बढ़िया है बढ़िया है भाई। अभी डोसा खाया है, मज़ा आ गया। गोवा का बेस्ट खाना खाया हमने यहाँ पे। क्या नाम था, नाम ही भूल गया मैं इनका, नाम क्या था इनका, नाम तो चलो बता दिया आपको, वीडियो में तो याद रहेगा, बाकी बाहर से भी दिखा दूंगा मैं कैसा है। और बेस्ट डोसा था यहाँ का यार, मज़ा आ गया। साउथ इंडियन मैं खाता नहीं, साउथ इंडियन क्या भाई, सब कुछ है यहाँ पर वैसे।
वैसे साउथ इंडियन में ज़्यादा खाता नहीं, पर बेस्ट था साउथ इंडियन। अब बिल देख लो भाई, बिल आ गया है 425 रुपये का, 3 डोसा और एक सॉफ्ट ड्रिंक, 3 सॉफ्ट ड्रिंक सॉरी। ठीक है ठीक है भाई, हमारी गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया है, ऐसी बजे जा रहा है। तो अभी भाई भैया मिले हैं, वो ठीक कर रहे हैं, तो यही हमें डॉल्फिन राइड पे लेके जाएंगे अभी। ये देखो एम ही बजे जा रहा है, तार वार कोई छिड़ गई है इसकी। हसीना मान जाओगी मूवी की शूटिंग की, तो गोविंद और संजय दत्त वाली, गोवा गवर्नर पैलेस, रेस मंगलसोड और गोवा मैरियट होटल, 5 बॉलीवुड साइट सीन पॉइंट और नेचुरल डॉल्फिन दिखा के लाएंगे। 1 घंटा बोट राइड है, पर पर्सन 350 रुपीज टिकट पर पर्सन, मतलब ये बिग डैडी कैसीनो और ब्रिज को छोड़ के बाकी इसमें सब दिखाओगे आप 350 रुपीज में। अगवाड़ा सेंट्रल जेल भी दिखाओगे? बेशक, अगवाड़ा सेंट्रल जेल, 80 करोड़ पैलेस, लाइट हाउस, रेस मंगलूस फोर्ट, गोवा। अच्छा, ये जो बोट वगैरह होगी अंदर, इसके अंदर डांस वांस सब करो कुछ भी है? इस तरह की बड़ी बोट रहेगी, शेडेबल सीट बाय सीट रहेगा, छोटा सा डांस फ्लोर रहेगा। अच्छा। जिसके अंदर म्यूजिक रहेगी, आप अपना मोबाइल चाहो तो भी कनेक्ट कर सकते हो, डांस कर सकते हो, नेचुरल डॉल। तो यहाँ से प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है, मतलब कि पहले हम अगवाड़ा फोर्ट जा रहे थे, बट अब ये जो आदमी मिला हमें चर्च के सामने, इसने बहुत अच्छा एक ऑफ़र दिया कि 350 रुपीज़ में आपको बोट राइड देंगे एंड उसके अंदर काफ़ी सारी जगहें हैं, डॉल्फिन आपको दिखाएंगे, ये सब चीज़ें 350 रुपीज़ में। तो हमने डिसाइड करा कि अब यहाँ पे जाते हैं हम। ये सिंगल स्प्लिंग वाली है वो उधर। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये और ये सारे कैसीनो हैं, ये बिग डैडी कैसीनो, मैजेस्टिक प्राइड, देखिए गोलमाल देखिए। हाँ, सर्किट को पकड़ता है ना, गोलमाल मूवी में संजय दत्त सर्किट को पकड़ता है, सर्किट को। अच्छा हाँ हाँ, अर्शद वारसी को, अर्शद वारसी आपको मैं संजय दत्त की स्टाइल चलना सिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो दौड़ने लग गया था, वो लड़की बलून बांधती है ना खंभे पे। हाँ हाँ हाँ, ये वाला इधर का फिगर है। अच्छा यहाँ पे वो, यहाँ पे वो किलर है। अब वो बोलता है संजय दत्त वाला चल के, वैसे संजय दत्त वाला। हाँ 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 हाँ, ये पूरा यही रोड पे। अच्छा, ये सारा वही रोड है गोलमाल वाली, सारी शूटिंग प्लेसेस यहीं पे, ज्यादा करके मोस्टली शूटिंग यहीं रोड, ज्यादा शूटिंग यहीं होती है सारी बॉलीवुड की। नहीं मतलब किसका बंगला है? मारवाड़ी है, मारवाड़ी का डायमंड वाइन स्टोर, महंगी मिलती होगी वहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे लिकर वगैरह खड़ी है वहाँ पे, फिश है? अच्छा, वो वाली फिश, हाँ, वो फिश की एक यादगारी है, गोवा में कितनी बड़ी फिश मिली थी जिसके अंदर सोना मिला था। अच्छा जी, तो वो कोई यादगारी ना भूले इसके लिए वो फिश बना के रखी। कब की बात है ये, सोना मिला था मेरे बाप दादाओं के जमाने की। अच्छा जी, और ये मीरामार बीच है पूरा, आशिकी 2 की शूटिंग हुई थी यहाँ पर, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मेरे को तो बागा से अच्छा लग रहा है। वापस सर्कल लेके सीधा जाओगे 3 किलोमीटर के ऊपर आपको डोना पौला मिलेगा, जहाँ पे सिंगम की मूवी की शूटिंग हुई थी, खम्मा निकालता। अच्छा, सिंगम की बाकी भी एक स्टोरी है, डोना पौल, डोना जो पॉल जो था वो मछुआरा था। अच्छा, दोनों के बीच में प्यार हो गया, तो उन दोनों को शादी करने के लिए इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने वहाँ से सुसाइड किया था, तो उनके नाम से वहाँ पे स्टैचू। ओरिजिनल, अच्छा रियल स्टोरी है सारी, रियल स्टोरी है। तो वो जेटी पहले छोटी थी, अभी इंटरनेशनल बना दी गई, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बोट्स आते हैं वो वास्को में लगते हैं, गेस्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है वहाँ से यहाँ आने के लिए, 1 घंटा तो सफर हो जाता है उनका, तो 1 घंटा घूमेंगे क्या, तो इसके लिए वो जेटी बड़ी बना रहे हैं। मेरे को लग रहा है पंजिम में बहुत कुछ है घूमने को यहाँ पर, है ना? पंजिम राजधानी है, राजधानी है। अच्छा, तभी बढ़िया भाई। तो अब ऑलरेडी ये व्लॉग 14-15 मिनट का हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अब एंड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, ये तो सेंस नहीं बनता अभी कि अगर मैं इसको 20-25 मिनट का बना दूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जो मेन पार्ट आने वाला है, जिसमें डॉल्फिन राइड वगैरह होगा, उसको 1 या 2 दिन में मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और वो व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।